मैं हमारी मेहमान यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी तपस्वनी बहन जी से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और इस उन्वान पर हमारे दरमियान अपने विचार रखें। बहन जी शांति, सलाम अलैकुम। वैसे कभी भी मैं कोई मुस्लिम संगठन में नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे काफी हमारे पास लोग आते हैं तो वैसे कहते हैं कि अल्लाह नूर प्रकाश तो परमात्मा जिसको हम कहते हैं तो हम सभी उसके बंदे हैं। जैसे मौलाना जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमारे समाज में जब वैल्यूज़ का खात्मा हो जाता है तब तो जैसे वैल्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं हमारे समाज में तब ये सारी बातें होती हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी वक्तव्य बताया और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी तो उसने यही कहा कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा लड़ाई झगड़ा नफरत वैर राइट और नशे की बात कही। सही बात है, नशा बहुत प्रकार का होता है, आपने को सभी को पता है और इतने वैरायटी हैं उसके कि पता ही नहीं। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा जो डिस्कोर्स होता है उसमें हम कहते हैं आप नशे में रहो। नशा मीन्स माना वो उमंग गुस्सा जिल एंड एंथुसियाज्म, आपके अंदर कभी भी उमंग गुस्सा खत्म ना हो। अगर आपकी नशा खत्म हो गया देन फिनिश मीन्स व्हाट, पैशन, हर चीज में पैशन होना चाहिए। लेकिन जो पैशन हमारे रूह को हमारे जिस्म को ख़त्म करे वो पैशन हमको नहीं करना है। तो नशा का अर्थ ही है जो हमको परमात्मा की ओर अल्लाह की ओर ले जाए, समाज में कल्याण करे, हर आत्मा को सुख दे और स्वयं को सशक्त बनाए और दूसरों को भी सशक्त बनाए। लेकिन हम देख रहे हैं अभी समाज में जैसे उन्होंने बताया कि कितने करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं और हर एक मिनट एक व्यक्ति जो है मौत का शिकार हो रहा है तो उसका कारण क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि माँ बाप तो जिम्मेवार है ही लेकिन हम समाज के हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है। तो जब हम ये समझ ले कि हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है और अपनी जिम्मेवारी समझ कर वो उसको परिवर्तन करने के लिए हर एक व्यक्ति एक उंगली दे तो ही जाके समाज में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे आपको तो पता है बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे लॉन्चिंग होते हैं, लॉन्चिंग में सब आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ये कोई भूलने का टॉपिक नहीं है, ये हम सभी को याद रखने का टॉपिक है और हर व्यक्ति विशेष को हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उसकी आवश्यकता है। और जब तक हम हर एक व्यक्ति जागरूक ना हो, अवेयर ना हो तो हम समाज के अंदर ये कार्य नहीं कर सकते। तो हम नशा मुक्त, तो नशा का मुक्ति माना देश का विकास। तो विकास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कई नेगेटिव चीजों का मुक्ति करना पड़ेगा और पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। मुझे याद है एक बार एक किसी का शादी का मौका था तो लड़के लड़की को लड़का देखने के लिए आया तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर कोई ऐब है, तो उसने कहा हाँ मेरे अंदर ऐब है, मैं ना झूठ बोलता हूँ। तो उसने बोला अरे झूठ कौन नहीं बोलता है, हर व्यक्ति तो झूठ बोलता है, झूठ बोले बिना तो कोई कोई बड़ा झूठ बोलता है कोई छोटा बोलता है, आप तो छोटा झूठ बोलते कोई बात नहीं। तो उसको पूछा आप शराब पीते हो, आप नशा करते हो, आप कोई भी गलत काम करते हो, तो उसने कहा नहीं। उसके बाद उसकी शादी हो गई
और शादी हो गई और आप सभी को पता है रिजल्ट क्या, क्योंकि वो झूठ बोलता था, माना वो नशा करता था, वो लोगों को ठगी करता था, वो इतनी छोटी सी बात है और उससे जब उसका लाइफ ही बर्बाद हो गया वो बहन का, तो उसने कहा आपने तो हमको बताया नहीं कि आप नशा नहीं करते हैं, आपने तो कहा नशा नहीं करते हैं, तो उसने उसी समय कहा मैंने आपको कहा था कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो सच ही है, हमारे जीवन में कई लोगों की जानकारी है कि ये नशा करते हैं और कई लोगों की जानकारी नहीं है। आजकल जो फ्लैट में रहते हैं ये समझते हैं, जो VIP सो कॉल्ड समझते हैं, लगता है वो नशा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जितनी नशा है वो दूसरे को नहीं है। कहते हैं जैसे डिप्रेशन का आज समाज में हर एक व्यक्ति के हर एक घर में कहीं ना कहीं कोई डिप्रेसिव व्यक्ति है, लेकिन किसी को पता है किसी को नहीं पता। जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चल जाता है, जो बहुत तूफान मचाते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन जो नहीं मचाते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो हमको नहीं पता चलता है, है ना। तो एक बार मुझे याद है अकबर, आप सभी को पता है कि अकबर और बीरबल की बहुत प्रसिद्ध कहानियां होती है। तो अकबर राजा तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, भारत के अकबर जैसा कोई राजा नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, अकबर को बीरबल का नशा था, है ना, बीरबल उनका सब कुछ था मंत्रिमंडल में। तो सभी लोग कहते थे कि अकबर जैसा तो कोई नहीं, लेकिन सारे मंत्री बहुत नाराज होते थे, कहते थे बीरबल तो इनको तो बीरबल का ही नशा है। तो एक बार उनके जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने कहा बीरबल को तो कुछ तो मजा चखाना चाहिए। तो जब एक दिन बीरबल छुट्टी लेके गए थे और उसी समय सारे मंत्री आए और उन्होंने कहा कि हमारे जो देश है, इतना बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत सारे अंधे हैं, उन अंधों का लिस्ट बनाना चाहिए और उनको एक अलग गांव बनाना चाहिए, वहां रहना चाहिए, ताकि वो लोग कोई तकलीफ ना दे, वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसी समय अकबर ने कहा अरे बीरबल को बुला, क्योंकि उनको तो नशा था ना बीरबल का, बीरबल ही कर सकता है। तो वो सारे मंत्री लोगों ने कहा हाँ आप राइट कहते हैं, बीरबल ही ये जो मसला है इसका सॉल्व कर सकता है, तो उसको बुलाइए। तो बीरबल को संदेश दिया राजा ने और कहा कि बीरबल को बुलाओ। और उस दरमियान बीरबल क्या कर रहे थे, वो एक मोची था और उन्होंने कहा था, वो मोची हमेशा उस चप्पल सिलाई कराते थे। तो एक दिन बीरबल उनकी जो मोची था उसकी बेटी की शादी करनी थी, तो उसने कहा कि आप मेरे को एक दिन का मोहलत दे सकते हैं, आप मेरे जो काम है, मेरे पास ऑर्डर तो बहुत है, लेकिन वो ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे को एक आदमी की जरूरत है, आप मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो मदद करने के लिए गए हुए थे और मदद करने के लिए छुट्टी लिया हुआ था। और उसी समय जब संदेश जाता है कि आप मुझे ये अंधों का लिस्ट बना कर दो, तो कहा किसने बुलाया, बोला राजा ने बुलाया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो पहले से ही छुट्टी लिया हूँ। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ पहुँच गए और बोला तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता है, और तुम मेरा भी जो मैंने संदेश दिया तो तुम मना कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वो चुपचाप रहे, उन्होंने कहा कि आपको चाहिए क्या, तो बोला नहीं, अंधों का लिस्ट देना, और बोला कल 11 बजे दरबार में देना है। तो बोला ठीक है, आपका काम होने से मतलब है ना। तो वो अपने काम में मशगूल हो गए और उस समय काफी जो मंत्री हैं हर रोज आते रहे, सॉरी एक एक मिनट में एक एक मंत्री आते थे और पूछते अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, राइट। और फिर चले गए और नेक्स्ट डे दरबार में गए और दरबार में लिस्ट बनाई थी, छोटी लिस्ट और एक बड़ी लिस्ट। तो अकबर राजा ने पूछा तुमने लिस्ट बनाया, तो बोला हाँ बनाया। बोला छोटा पढ़ो या बड़ा, तो उन्होंने कहा छोटी लिस्ट बाद में पढ़ना, पहले बड़ा पढ़ो। तो उसमें सबसे पहले नाम किसका था, अकबर का था, उसके बाद सारे मंत्रियों का लिस्ट था। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी गुस्ताखी क्यों की। तो उन्होंने बहुत भोलेपन से, बड़े प्यार से उन्होंने कहा जहाँ पना आप देख रहे हैं कि मैं तो जूता सिलाई कर रहा हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो। सारे मंत्री लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो।
तो इसका अर्थ ये है, बोला वो अंधे जो आंख को आंख नहीं है वो किसको क्या परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो अक्कल के अंधे हैं उनको ही वो ही परेशान कर सकते हैं। तो राजा समझ गए, कहने का अर्थ ये है, मेरा यहाँ नशा मुक्ति में ये कहानी कहने का अर्थ ये है, हम सबको भगवान ने नूर दिया है, आंख दिए हैं, हमको पता चलता है कि इस नशे से हमको परेशानी होती है और फिर भी हम वो नशा करें तो हम क्या बन गए, अक्कल के अंधे ही बन गए ना। तो हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, हमारा समाधान कौन कर सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जैसे उन्होंने कहा चैटिंग, कहा व्हाट्सएप में, आज व्हाट्सएप गूगल आपको पता है बहुत काम की चीज है, आप सभी को पता है अगर किसी को बुखार आता है और आप गूगल में टाइप कर दो कि मुझे ये हेडेक है, ये बुखार है, ये चीजें हैं, तो तुरंत आपको घरेलू नुस्खा भी मिल जाएगा और मेडिसिन का नाम भी पता चल जाएगा। तो गूगल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, उस नशे का गलत प्रयोग करते हैं, तब हमको तकलीफ होती है। जैसे निकोटिन है, जैसे कैफीन है, ये सारे नशे हैं, जैसे चॉकलेट है, कभी बर्थडे में किसी का सेलिब्रेट करते हैं और चॉकलेट खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया तब हमको प्रॉब्लम होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि मेरे को नशा है मीठे का, मैं खाना खाने के बाद रात को अगर स्वीट नहीं खाऊं तो मेरे को नींद नहीं आती है। तो हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई नशा है, लेकिन वो नशा सही अगर हो तो उससे हमको सुख मिलता है और हम समाज को सुख दे सकते हैं, लेकिन अगर गलत नशा करते हैं तो हमारा नुकसान ही हो जाता है। तो हमको करना क्या है वो हम ही विचार करेंगे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति जो है, आजकल बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में हर रोज हमारा 9 से 12 बजे तक हम लोग फ्री मेडिसिन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जिससे कई लोगों लाभ लेते हैं, उसके आधार से ही आपने हमको यहाँ बुलाया। तो ऐसे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति इसके लिए अवेयर हो जाए, हर व्यक्ति को पता चल जाए कि ये नशे से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार को नुकसान हो रहा है और मेरे को परेशानी हो रही है, तो नशा मुक्त देश कल ही बन जाएगा। तो हम सभी आज ये प्लेज करेंगे कि हमको नशे से दूर रहना है और उसके साथ साथ जिसको नशा है उसको भी मुक्त करना है। तो आप सभी साथ देंगे, है ना। तो मैं अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले जरूर प्लेज कराऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक राज्य था और उस राज्य में बहुत ही कोई राजा शरीर छोड़ दिए तो उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हमको कोई भी राजा को एक ही साल रखना है, क्योंकि आपको पता है आजकल गद्दी मिलता है तो कितना नुकसान कर देते हैं। तो वो क्या करते थे, जैसे एक राज्य राजा बनता था, एक साल के बाद सामने जो जंगल होता था वो राजा को वहाँ छोड़ देते थे, और वो राजा क्या करते थे, नेचुरली वहाँ पे बहुत सारे शेर, चीता, बहुत सारे जो है भालू, ये सब होते थे तो उसको खा लेते थे और वो राजा वहाँ शरीर छोड़ देते थे। लेकिन जब राजा बनते थे तो उनको इतना नशा होता था, गद्दी का नशा होता था, जिसके कारण वो भूल जाते थे कि मेरे साथ भी ये सलूक होने वाला है, इसीलिए हर कोई ऐसा करता था। तो उसी समय एक नौजवान था, वो हमेशा सोचता था अगर हाथी मेरे माथे पे कलश रखे तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूं। तो उसने सोचा अगर मैं राजा बनूं तो इस देश का मैं परिवर्तन करूं। तो सचमुच एक दिन ऐसा आया और हाथी ने उसके माथे पे कलश रखा और वो राजा बन गया। और जब राजा बना तो उसने सोचा सुबह तो हर कारोबार होता है, दरबार लगाना, ये वो सब काम होता है, तो पूरी रात वो नहीं सोते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे देश में कितने सारे
नौजवान हैं जो निकम्मे हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, और कितने वृद्ध हैं जो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके लायक काम नहीं होता है। ऐसे उन्होंने अलग अलग संगठन बनाया और उनके जो सिपाही थे, आपको पता है हर साल अगर राजा चेंज हो जाए और राजा विलास में रहे तो वो सिपाही भी क्या करेंगे, तो रात भर जाकर वेश बदल कर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। सबसे पहले वो जो जंगल था उसको साफ किया, सेंचुरी बनाया, वहाँ फल फूल बहुत अच्छा बगीचा बनाया, बहुत ही सुंदर सब कुछ बनाया। एक साल में पूरा दूसरा राज्य तैयार हो गया और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साल के बाद क्या था, जंगल में सामने जो था वहां ही उनको भेजना था, तो वहां जब गए तो उनके जो लोग थे उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनको लेके गए। जब इन्होंने ये रियलाइज किया कि ये राजा इतना मेहनतू है और इसने इतनी अच्छी तरह से अपनी गद्दी का गलत उपयोग नहीं किया और उस नशे से कार्य किया और उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया और हमारे समाज के जो निकम्मे लोग थे, जो अनपढ़ थे, जो बुद्धिहीन थे, उन सबको उपयोग करके इतना सुंदर राज्य बनाया, तो हमारा राजा तो वही हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो अल्लाह की भी ये चाह है कि हम सभी मिलकर ये नशा रखें, हम स्वयं में परिवर्तन करें और पूरे विश्व को परिवर्तन करें। क्यों? क्योंकि हम हरेक के अंदर ये शक्ति है, क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख है। अगर आपके परिवार में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे की प्रति रिगार्ड हो, तो कभी भी ये समाज में कोई भी कुरीति, कोई भी प्रकार के नशा जो दुर्व्यसन है वो हमको दुखी या अशांत या निर्धन नहीं कर सकता और हम सभी नशा मुक्त बन सकते हैं, अल्लाह की यही चाह है। तो एक मिनट के लिए हम सभी खड़े होंगे और ये प्लेज करेंगे। सभी हाथ आगे रखे और सभी कहे, मेरे अंदर कोई भी प्रकार का नशा, चाहे व्हाट्सएप का नशा हो, चाहे चाय पीने का नशा हो, कोई भी प्रकार का नशा, गुस्से का नशा हो, कोई भी प्रकार का नशा हो, वो मुझे अल्लाह ताला के सामने देना है, मेरे स्वयं को फ्री होना है और दूसरों को भी नशे से फ्री करना है, मुक्त करना है। ओम शांति। थैंक यू।